भारत चीन सीमा विवाद के बाद झड़प में 20 जवानों की शहादत को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। 20 भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद विपक्षी दल लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि झड़प के दौरान भारतीय सैनिकों को हथियारों का इस्तेमाल क्यों नहीं करने दिया गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ये सवाल उठाया था। अब कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सैनिकों के हाथ में लाठी देकर क्यों भेजा गया, क्या वो आरएसएस की शाखा है? उन्होंने घुसपैठ बहुत की है, बड़े पैमाने पे वो अंदर आ गए हैं और दुख की बात है कि हमारे 20 जवान मारे गए और बिना शस्त्र हो गए थे, बिना शस्त्र गए थे। चीन के भी बिना शस्त्र आए थे ऐसा बोला जाता है, लेकिन वो आए वो लाठी लेके उसको खिले लगे हुए थे और लोखंड लगा हुआ था और उससे उन्होंने मारा। एक भी उनका जवान मरा नहीं, सारे हमारे मरे। कई घायल हो गए, घायल जल्दी से जल्दी अभी काम पे या फिर जाएंगे बॉर्डर के ऊपर बोला जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं। बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ और ये हमारी जो नीति है उसके ज़रिए ये हुआ। ऐसे कैसे हम हमारे सैनिकों को बिना शस्त्र भेजें? सब वो लड़ते और फिर कुछ होता तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उनको लड़ने का मौका ही नहीं मिला। उनके हाथ में लाठी देते हो, क्या आरएसएस की शाखा है? तो यहाँ सैनिकों को क्यों भेजते हो? आरएसएस के लोगों को वहाँ भेजिए लाठी लेके, वो बॉर्डर का ये करेंगे, सुरक्षा करेंगे। लेकिन सर, विदेश मंत्री जयशंकर ने कही कि उन्होंने खारिज किया है कि भारतीय सैनिक हमेशा हथियार लेकर चलते हैं, इसलिए ये बिल्कुल झूठ है। हथियार लेकर चलते हैं ये सही बात है, लेकिन वहाँ जो बॉर्डर पे ना उनको आदेश था, और आदेश किसने दिया, क्या दिया, कोर्ट मार्शल करिए इसका।